हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई कोर्स की प्लेलिस्ट। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेब डिजाइनिंग के कोर्स के बारे में कि क्या क्या टॉपिक इस कोर्स में हम पढ़ने वाले हैं। और एक बात मैं आपको पहले बता दूँ, इस कोर्स का स्टार्ट मैं बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूँ, ना कि मैं आपको इसमें वेबसाइट बनाना सिखाऊंगा, बल्कि सिर्फ एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं थ्योरी वाले पार्ट को हम कवर करेंगे। अगर आप भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं वेब डिजाइनिंग में, तो आप इस कोर्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सिलेबस में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, डोमेन एंड होस्टिंग, उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइनिंग के बारे में, टाइप्स ऑफ वेबसाइट की वेबसाइट्स हमारी कितनी तरह की होती हैं, उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एचटीएमएल में कुछ बेसिक्स पार्ट को देखेंगे, लाइन, पैराग्राफ, हेडिंग, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल, उसके बाद एलिमेंट ऑफ एचटीएमएल में हम लोग डिस्कस करेंगे टैग्स क्या होते हैं उसमें, उसके बाद वर्किंग आप टेबल्स के साथ हम वर्किंग कैसे करते हैं, लिस्ट के साथ वर्किंग कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखेंगे। आगे हम इसी डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सीएसएस, यानी सीएसएस के कॉन्सेप्ट क्या, डिजाइनिंग का पार्ट पूरा कवर करने वाले हैं एज ए थ्योरी, ठीक है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस पॉइंट ऑफ व्यू को हम कवर करेंगे। उसके बाद हम हल्का सा जावा स्क्रिप्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में इंट्रोडक्शन होगा उसका कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, टाइप्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है उसमें, कंडीशन स्टेटमेंट क्या होता है, लूप्स क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे वेब होस्टिंग क्या होती है, कि वेबसाइट को हम जब वेबसाइट हमारी पूरी तरह से तैयार हो जाती है तो हम उसको किस तरह से होस्ट करते हैं, होस्ट करना मतलब इंटरनेट के ऊपर पोस्ट करना। तो आगे अगर हम बात करें इसमें, तो टाइप्स ऑफ होस्टिंग, पैकेज, रजिस्ट्रेशन, डोमेन की रजिस्ट्रेशन का डोमेन कैसे करते हैं, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है एसईओ का, हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को ग्रो करा सकते हैं। तो अभी आज के वीडियो में कुछ देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डिजाइनिंग की इंट्रोडक्शन का वेब डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन क्या है। तो वेब डिजाइनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो वेब डिजाइनिंग होती क्या है, तो वेब डिजाइनिंग क्या होती है, एक तरह का प्रोसेस होता है, ठीक है, एक तरह का प्रोसेस होता है। प्रोसेस किस चीज का होता है, प्रोसेस किस तरह का होता है हमारा, जैसे क्या है कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट किस पे हम काम करते हैं, अपने आइडिया के ऊपर, ठीक है, हमारा जो भी आइडिया होता है उसके ऊपर हम काम करते हैं, कंसेप्चुलाइजेशन के ऊपर काम करते, अरेंजिंग कंटेंट ऑनलाइन, जो भी हमारा कंटेंट होता ऑनलाइन, जैसे वेबसाइट हमें बनाने की नीड क्यों पड़ी, इस बात की अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता क्या है कि हम किसी भी तरह की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, या इंटरनेट के ऊपर अभी जितनी भी वेबसाइट अवेलेबल है तो हमें क्या करती है, कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, हम हर एक वेबसाइट से कुछ ना कुछ सर्विस लेते हैं। तो उसी तरह जब आप भी किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, प्रोजेक्ट को डेवलप यानी आप भी चाहेंगे कि नहीं मेरी वेबसाइट बने, तो आपकी वेबसाइट किस चीज पे बनेगी, वो क्या यूजर्स को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करती तो आपकी वेबसाइट को लोग क्यों यूज करेंगे। तो ये हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पे अगर हम काम करते हैं सबसे पहले आइडिया की बात आती है, आइडिया यानी प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को रखें, क्या उसमें कंटेंट होने चाहिए, किस तरह से हम कंटेंट डिलीवर करें कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स हमारी वेबसाइट पे आए, जिससे हम हमारी अर्निंग अच्छी हो सके, तो वेब डिजाइनिंग हो गई है। तो वेब डिजाइनिंग काम कैसे करता है, सबसे पहले वेब डिजाइनिंग में ब्रांडिंग होती है, ब्रांडिंग का मतलब कि जैसे आपने देखा गूगल, गूगल क्या है, एक ब्रांड है, ब्रांड का मतलब क्या है कि लोग गूगल सुनते ही नाम में आ जाता है कि ट्रस्टेड है, ब्रांड मतलब ट्रस्ट होता है, ठीक है, कि जैसे नाम हमको सुनाई दे हमें लगे हाँ ये पर्टिकुलर ट्रस्टेड है, तो हम एक ऐसी वेबसाइट को डिजाइन करें जिसमें ट्रस्ट हो, लोगों का भरोसा हो, ऐसी, उसके बाद प्रोफेशनल होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें कोई कंटेंट किसी भी तरह का, एक प्रोफेशन होना चाहिए, एक पर्टिकुलर प्रोफेशन से बिलोंग करना चाहिए। मैसेजिंग का मतलब क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि हमारे वेबसाइट में जो भी कंटेंट हो बिना मतलब क्यों, कुछ ना कुछ मैसेज यूजर को देते हो जिससे यूजर आए और ज्यादा टाइम तक हमारी वेबसाइट पे बिताए। उसके बाद सिंपलिसिटी का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट हमारी मिनिमल और सिंपल होनी चाहिए, सिंपल का मतलब है कि जिससे यूजर क्या हो आसानी से उस पर इंटरेक्ट कर पाए, आसानी से उसको चला सके, मतलब उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वेबसाइट के फंक्शन से उसको नहीं समझ में आ रहा है तो किस तरह से उसके ऊपर वर्किंग करेगा, तो इजी कंटेंट के साथ। उसके बाद एंगेजिंग मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यूजर्स आने चाहिए, जब सिंपलिसिटी होगी, मैसेज देगी, प्रोफेशनल होगा, ब्रांड होगा, तो उसमें क्या होगा ज्यादा से ज्यादा
मतलब यूजर्स आएंगे। एक्सेसिबिलिटी मतलब हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर ले। एक्सेसिबिलिटी का मतलब हमारे पास फोन हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, यानी रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, किसी भी डिवाइस से हम उसका एक्सेस कर ले। यूएसबिलिटी होगा, उसके बाद हमारी फंक्शनैलिटी हो गया। फंक्शनैलिटी में क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। मतलब अगर हम कॉलेज से रिलेटेड, ठीक है, कॉलेज से रिलेटेड कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम चाहेंगे कि कॉलेज की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर दे, उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड कर दे, उसके बाद जो भी कॉलेज में फॉर्म नए नए आ रहे हैं उन फॉर्म को भी हम यहीं पे प्रोवाइड कर दे, उसके बाद हम चाहेंगे कि यहीं पे फीस भी सबमिट हो जाए, यहीं से एडमिशन भी हो जाए, तो इस तरह की और मल्टीपल यहीं पे हमारी अटेंडेंस भी लग जाए और हमारे सब्जेक्ट टाइम टेबल भी दिखे, एग्जाम भी इसी वेबसाइट से हो जाए, तो मल्टीपल काम हम चाहेंगे कि एक ही वेबसाइट, मतलब फंक्शनैलिटी ज्यादा से ज्यादा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करे। अब अगर हम बात करें कि किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए किन किन चीजों की नीड पड़ती है, तो सबसे पहले देखो किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए HTML की नीड पड़ती है, CSS की पड़ती है, उसके बाद JavaScript की। तो HTML हमारा है क्या, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। मतलब ये क्या होता है, वेबसाइट के अंदर कंटेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। कंटेंट का मतलब कि जो भी हम वेबसाइट के अंदर देखते हैं, जो भी सारी चीजें होती है, मतलब जो भी कंटेंट लिखा होता है इस तरह से, इमेज, फोटो, ये सारी चीजें, यानी स्केलेटन कह सकते हैं, ढांचा, ठीक है, जैसे कंकाल तंत्र होता है ढांचा, उसी तरह से HTML होता है। उसके बाद CSS का मतलब क्या, जब HTML में हम CSS को ऐड कर देते हैं, जब CSS को ऐड करते हैं तो CSS उसमें क्या करता है, डिजाइनिंग वाले पार्ट को करता है, कि मतलब चीजें अच्छी दिखनी चाहिए। अच्छी दिखने का मतलब कि कौन सा कलर यूज करें, कौन सा कलर टेक्स्ट का फॉन्ट साइज फॉन्ट यूज करें, इन सारी चीजों को डिफाइन वो करता है, ठीक है, हमारी चीजें दिखनी किस तरह से चाहिए, उसको अच्छा दिखने के लिए CSS का हम यूज करते हैं, जो आंखों के लिए कंपैटिबल हो, यानी यूजर का एक्सपीरियंस ज्यादा बढ़े। एक्सपीरियंस बढ़ने का मतलब है कि देखने में हमें अच्छी लगेगी, जब यूजर को अच्छी लगेगी और वो इंफॉर्मेशन आसानी से उस वेबसाइट पे पाएगा तो वहां पे बार बार आएगा। उसके बाद HTML और CSS और JavaScript। जब हम JavaScript का यूज करते हैं, JavaScript का मतलब फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड करना। फंक्शनैलिटी मतलब जैसे अगर हम कह दें यहां पे हमारा कोई नेवबार है, ठीक है, अब हम चाहते हैं जब नेवबार पे क्लिक करें तो यहां पे तमाम फंक्शंस खुल जाए, तो जब हम नेवबार पे क्लिक करते हैं तमाम फंक्शन जो खुल जाते हैं, मल्टीपल फंक्शंस, वो किसका काम होता है, JavaScript का काम होता है। जैसे क्या, यहां पे एक स्केलेटन था, HTML का काम था। अब ये क्या है कि यहाँ पे कुछ डिजाइनिंग प्रोवाइड हो गई, ठीक है, HTML CSS के साथ, लेकिन इसमें जो भी फंक्शनैलिटी, अब ये बंदा जो भी मूवमेंट करेगा वो किसके जरिए करेगा, JavaScript के जरिए करेगा, तो तीनों चीजें मिला के इसको मूवमेंट कराएंगे। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमारी वेब डिजाइनिंग क्या होती है और इसमें HTML CSS JavaScript के क्या क्या अपने रोल है। आगे अगली वीडियो से हम डिस्कस करेंगे बेसिक प्रिंसिपल क्या है इन सारी चीजों के बारे में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।